और बड़ा अपडेट इस वक्त का, तो दोनों राज्यों के बीच में एमओयू साइन हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ रहा है। विनोद, देखिए जिसका इंतजार था वो इंतजार पूर्ण हो चुका है, बैठक हो चुकी है और बैठक से खुशखबरी निकल कर आई है कि सहमति बन चुकी है। जानकारी आप जरा पहुंचाए। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों से बातचीत पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सकारात्मक वार्ता रही है, सहमति बनी है और कुछ बिंदुओं को लेकर के दोनों राज्य अब अपने राज्य स्तर पर बात करेंगे। और राज्य सरकार से बातचीत के बाद बताया यह भी जा रहा है कि देखिए जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं और एमओयू हो सकता है। तो आज जो सकारात्मक वार्ता हुई, सहमति बनी, वो सभी बिंदुओं पर बनी और कुछ पॉइंट को लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान को फिर से भेजा गया है कि अगली बार संशोधित DPR के साथ ही यहाँ पर आएँ। और उस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आने की बात की जा रही है। जनवरी के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी इस बात से भी बचते नजर आए कि अभी खुलासा नहीं किया जाए, लेकिन सहमति बनने की बात अधिकारियों ने स्वीकारी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सकारात्मक वार्ता रही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और तमाम अधिकारी यहाँ से खुश होकर निकले हैं। राजस्थान के अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, सहमति बनी है और अब संशोधित DPR के साथ ही वापस दिल्ली बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे तो ERCP पर सहमति के साथ हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। और राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है कि देखिए 13 जिलों की जो संजीवनी, 5 साल से जो केंद्रीय जल आयोग में लंबित था मामला, उस पर आज दोनों राज्यों की बैठक हुई। दोनों राज्यों के आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के दौरान 1.5 घंटे की बैठक में तमाम मुद्दों पर सहमति जमी और सकारात्मक पूर्व बातचीत हुई। बातचीत के बाद जब अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने बातचीत में यही कहा है कि अब संशोधित DPR के साथ ही वापस आना है और सूत्रों के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और उस दौरान बहुत बड़ी बात यानी MOU साइन हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इंतजार लंबा था और इंतजार अब पूर्ण हो चुका है विनोद, और 13 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनको संजीवनी कहा जाता है इस परियोजना को अगर देखिए, और लगातार इसको लेकर विवाद भी लंबा था, लेकिन खुशखबरी निकल कर आई है क्योंकि सहमति बन गई है और 13 जिलों को अब जो संजीवनी है वो मिलेगी, जो पानी की आवक थी वो मिलेगी। जरा इसको लेकर भी आप जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए कि 2017 से चली योजना को लेकर के अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम संशोधित ड्राफ्ट जो 3 अक्टूबर 2023 को था, उसके बाद विधानसभा की आचार संहिता लगी और कल जिस तरीके से राजस्थान के वित्त विभाग ने संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति जताई थी, उसके बाद आज बैठक में दोनों राज्यों के बीच चर्चा हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उसके बाद अधिकारी जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सहमति हो गई है और हमें अब संशोधित जो ड्राफ्ट है, संशोधित DPR, संशोधित DPR के साथ ही वापस यहाँ बुलाया गया है। और सूत्रों के अनुसार जो अंदर बातचीत हुई, अधिकारियों से हमने जो बातचीत करी, सूत्र यही बता रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। और देखिए 13 जिलों की आस पूरी हुई है, 2.08 लाख हेक्टर में सिंचित क्षेत्र के लिए पानी मिलेगा, पेयजल के लिए पानी मिलेगा, औद्योगिक इकाइयों के लिए। राजस्थान में जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है उसका काम अब तेजी से चलेगा और ERCP का जो मुद्दा गरमाया हुआ था उसका गतिरोध अब दूर हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनने के साथ ही अब माना जा रहा है कि ERCP तेजी से आगे बढ़ेगी। जी और विनोद, देखिए अगर इस ERCP के पूरे मुद्दे पर अगर नजर डाली जाए तो हमने देखा था कि कैसे ERCP को भुनाने की कोशिश की गई थी और हमने वो भी देखा था कि कैसे ERCP को मुद्दा बनाया गया था और ये भी देखा था कि ERCP को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना साबित नहीं किया जा रहा, लेकिन अब राजस्थान वासियों को ERCP को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पर अपन एक नज़र डालें, मैं आपको बताऊं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अपन देखें तो परियोजना के तहत जो जल उपलब्ध होना है वो 3,510 मिलियन घन मीटर जल मिलना है, जिसमें से 1,724 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए प्रावधान रखना प्रस्तावित है, जबकि 1,500 मिलियन घन मीटर सिंचाई के लिए और 286 घन मीटर उद्योगों के लिए रखने का प्रावधान है। 13 जिलों की ये योजना है। परियोजना के तहत पूर्व निर्मित 26 वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में जल भरा जाना है। इसमें से 0.8 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र में, 2 लाख हेक्टर नए
सिंचित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित रखा जाना है। परियोजना के तहत 6 बैराज बनाए जाना प्रस्तावित है। परियोजना केंद्रीय जल आयोग में जो विचाराधीन थी, अब सहमति के बाद वो रास्ता भी खुल जाएगा। और देखिए कि जो अब तक का गतिरोध था वो संभवतः दूर हो गया है, और जिस तरीके से अधिकारियों ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक रही और सहमति बन गई है।